हाय गाइस, कुछ चीज़ें थ्योरेटिकली हैं उसको देख लेते हैं। जो सेट कुकी में कुछ फील्ड्स रह गए थे उसको उसको थ्योरेटिकली कम से कम देख लेते हैं। पहला है डोमेन। इट स्पेसिफाइज द डोमेन फॉर विच द कुकी इज़ वैलिड, यानी कि किस डोमेन के लिए कुकी हमारा वैलिड होना चाहिए उसको आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। यानी कि आपके पास ये एबिलिटी है एज ए प्रोग्रामर कि आप एक स्पेसिफिक डोमेन के लिए कुकी अवेलेबल करवा सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है। सो मे बी आपने डोमेन नहीं लिखा हो। इफ़ नॉट स्पेसिफाइड दिस डिफॉल्ट टू सेट टू द होस्ट पोर्शन ऑफ द करंट डॉक्यूमेंट लोकेशन, अगर आपने नहीं लिखा है उस केस में ये डिफॉल्ट के साथ चला जाता है, जो कि होता है होस्ट पोर्शन ऑफ द करंट डॉक्यूमेंट लोकेशन। इफ अ डोमेन इज स्पेसिफाइड सब डोमेन्स आर ऑलवेज इंक्लूडेड, इसका क्या मतलब होता है समझिएगा। अगर कोई कुकी किसी डोमेन के लिए अवेलेबल है तो वह कुकी उसके सब डोमेन्स के लिए भी अवेलेबल होगा। एग्जाम्पल से समझिए, सेट कुकी लिखा मैंने यूज़र नेम गिकी कॉमा, देकर मैंने एक डोमेन यहाँ स्पेसिफाई कर दिया कि geekysauce.com के लिए। मेरे कहने का यहाँ मतलब यह है कि ये जो मेरा कुकी है जिसका नाम यूज़र नेम है और जिसका वैल्यू है गिकी, ये कुकी इस डोमेन के लिए अवेलेबल है, geekysauce.com के लिए अवेलेबल है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कुकी इस डोमेन के लिए अवेलेबल है, साथ ही साथ इसके सब डोमेन्स अगर कोई हैं, फॉर एग्जाम्पल नॉट डॉट गिकीसोस डॉट कॉम, कोड डॉट गिकीसोस डॉट कॉम, तो इसके लिए भी ये कुकी अवेलेबल है। लेकिन इसके अपोजिट अगर देखें कि अगर आपने किसी कुकी को किसी सब डोमेन के लिए अवेलेबल किया हुआ है, आपने डोमेन में कोई स्पेसिफाई किया है सब डोमेन कि ये कुकी जो है इसी के लिए स्पेसिफिकली है, तो इस केस में इस सब डोमेन का जो डोमेन है उसके लिए यह कुकी अवेलेबल नहीं होगा। मतलब अगर कोड डॉट गिकीसोस डॉट कॉम अपने एक सब डोमेन के लिए ये कुकी लिखा हुआ है, कुकी आपने स्टोर किया हुआ है, तो ये सब डोमेन तो इसको स्टोर एक्सेस कर सकता है, बट इसका जो डोमेन है जो कि गिकीसोस डॉट कॉम होगा वह इसको एक्सेस नहीं कर सकता। इन सिंपल लैंग्वेज, बच्चे माँ बाप का पैसा यूज़ कर सकते हैं, बट माँ बाप बच्चे का पैसा यूज़ नहीं कर सकते हैं, ये यहाँ कहा जा रहा है सिंपल आसान शब्दों में, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पाथ की। पाथ कैन बी रूट और माई डायरेक्ट्री, रूट सिर्फ स्लैश देना है और माई डायरेक्ट्री में स्लैश देकर जो भी आपका डायरेक्ट्री का नाम है वहाँ दे सकते हैं। ये भी ऑप्शनल है, अगर आप स्पेसिफाई नहीं करते हैं उस केस में डिफॉल्ट्स टू दी करेंट पाथ ऑफ द करेंट डॉक्यूमेंट लोकेशन, अगर आप स्पेसिफाई नहीं करते तो ये ऑटोमेटिकली ले लेगा क्या करंट डॉक्यूमेंट लोकेशन, यानी कि पाथ के तौर पर ये करंट पाथ ले लेगा, करंट डॉक्यूमेंट लोकेशन का जो पाथ होगा वह ले लेगा। एज वेल एज इट्स डिसेंडेंट्स, इसका क्या मीनिंग होता है, अगर आपने कोई कुकी लिखा हुआ है किसी पाथ के लिए तो ये कुकी उसके डिसेंडेंट्स के लिए भी अवेलेबल होता है। डिसेंडेंट्स का मतलब होता है नीचे जो लेयर बनता जाता है, यानी कि एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, ऐसा वाला। सो मैंने अगर रूट के लिए डिफाइन किया, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर कुछ भी अगर है तो वो सारे के लिए ये कुकी अवेलेबल होगा। इसके जस्ट अपोजिट अगर आपने होम एक जो डायरेक्टरी है इसके लिए स्पेसिफाई किया है तो ये जो कुकी है ये रूट के लिए अवेलेबल नहीं है। जी हाँ, यहाँ पे वही सिनेरियो है कि बच्चे तो माँ बाप का यूज़ कर सकते हैं बट माँ बाप बच्चों का पैसा यूज़ नहीं कर सकते हैं, वही यहाँ पर लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सिक्योर। सिक्योर कुकी टू ओनली बी ट्रांसमिटेड ओवर सिक्योर प्रोटोकॉल एज HTTPS, कुकी जो है वो ट्रांसमिट होगा ओवर सिक्योर प्रोटोकॉल ओनली व्हेन सेट ट्रू। ट्रू सेट करने के बजाय, यानी कि TRUE लिखने के बजाय हम लोग उसकी जगह वन लिखते हैं, अगर आपको ऐसा फीचर चाहिए तो। द कुकी विल ओनली बी सेट इफ अ सिक्योर कनेक्शन एग्जिस्ट, अगर सिक्योर कनेक्शन एग्जिस्ट करेगा तभी हमारा कुकी सेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसका एग्जांपल सेट कुकी यूज़र नेम की टाइम लिखा हमने, एक्सपायरी डेट, या रूट भी डिफाइन किया है, सॉरी पाथ भी डिफाइन किया है, डोमेन भी डिफाइन किया है, और यहाँ मैंने वन लिख दिया है कि ये सिक्योर पर होना चाहिए। इसी तरीके से HTTP ओनली होता है व्हेन ट्रू, यहाँ पर आप वन देते हैं, द कुकी विल बी मेड एक्सेसिबल ओनली थ्रू द HTTP प्रोटोकॉल। HTTP प्रोटोकॉल से ये एक्सेस होगा, एक्सेसिबल होगा। इसका भी एग्जाम्पल वैसे ही है, यूज़र नेम लिखा, वैल्यू लिखा, एक्सपायरी डेट दिया, पाथ लिखा, डोमेन लिखा और HTTP ओनली के लिए हमने वैल्यू दे दिया वन। सो गाइस, ये है कुछ सेट कुकीज़ की
ऑप्शनल फील्ड्स या फिर एट्रीब्यूट्स जो आप कहना चाहें, या फिर पैरामीटर्स आर्ग्यूमेंट्स जो भी आप कहें, जो हम लोगों ने थियोरेटिकली देखा, प्रैक्टिकली इसको देख पाना पॉसिबल नहीं, अदरवाइज मैं आपको ज़रूर से दिखाता। लेकिन इसका एक जो डिफ़ॉल्ट का जो बार बार आ रहा है कि डिफ़ॉल्ट ये होगा वो होगा, उसको हम लोग देख सकते हैं लोकल मशीन में। तो चलिए देखते हैं लोकल होस्ट में उसको चलकर। मैंने एक कुकी सेट किया है, आप लोग देख पाएंगे ये वाला, जिसका एक्सपायरी डेट मैंने 10 डेज़ दिया हुआ है। इसको सेव किया मैंने, इसको मैंने रन कर लिया है। हम लोग कुकी में चलते हैं डायरेक्टली। देखिए यहाँ कुकी, वही कुकी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये नेम है कुकी का, यूज़र नेम, और इस कुकी का वैल्यू यहाँ आपको कंटेंट में दिखाई देता है कि यानी कि जब भी आप इस कुकी को एक्सेस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये वैल्यू मिलेगा। डोमेन हमने कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया था, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये लोकल होस्ट ले ले रहा है, यानी कि इसका जो होस्ट है वह ले ले रहा है, यानी कि हमारा लोकल होस्ट है ये वाला। मैं आपको दिखाता हूँ, हमारा जो वो पेज है वह इसमें रन कर रहा है, इसमें इसका जो होस्ट हो क्या है लोकल होस्ट। देन पाथ, पाथ करंट डॉक्यूमेंट का लोकेशन, यानी कि ये वाला पूरा पाथ यहाँ आ गया। ये सिक्योर है सभी कनेक्शन के लिए, सॉरी सेंड फॉर एनी काइंड ऑफ कनेक्शन, एक्सेसिबल है स्क्रिप्ट। इसको क्रिएट किया हम लोगों ने आज, और इसका एक्सपायरी डेट ये तो हमें दिखाई दे रहा है। तो ये देखा हम लोगों ने यहाँ पर, ये देखा ओके, और ये भी देखा। सो होपफुली आपको डिफॉल्ट वाला कम से कम समझ में आ गया होगा। बाकी देखेंगे, कभी मौका मिलेगा तो आपको एग्जाम्पल लाइव दिखाया जाएगा कोडिंग के थ्रू, लेकिन समझने के लिए इतना काफ़ी है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसमें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।